मैं इसी घर में रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर के अंदर अपने बच्चों के साथ रहूंगी और मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। वाह, क्या बात है। इसे कहते हैं मॉडर्न सास और बहू की झड़प। ऐसे सारी मॉडर्न बहुओं को कायरा से कुछ सीखना चाहिए। ए लड़की, क्या कहा तूने? हैं? इस तरह बात करते अपनी सास से? अरे संस्कार नाम की चीज सीखी भी है कि नहीं? बड़ी आई जल्दी हार नहीं मानने वाली। मैं देखती हूँ कैसे हार नहीं मानती। और माँ, आप इसे बढ़ावा दे रही हैं? इसकी बराबरी आप अरुषि के साथ कर रही हैं? आज की बहू को इससे सीखना चाहिए, इससे? तो क्या गलत कहा? सही तो कह रहे हैं। तू तो बात ही मत कर। बस कीजिए चाची माँ, प्लीज। कायरा ने बच्चों की जान बचाई है, क्या ये काफी नहीं? आज इसकी वजह से हमारे बच्चे सही सलामत हमारे घर पर है, क्या ये काफी नहीं है? अरे हमें इसे थैंक यू कहना चाहिए। वो जैसी भी है, आप प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। सही कह रहा है व्यू। तुम लोग रोज रोज का तमाशा क्यों मचा के रखते हो? हाँ, घर को सिनेमा घर बना रखा है, बंद करो ये ड्रामा। हो गई ना फाइनल? नहीं, अभी नहीं हुआ है। तू खुद को बड़ी अच्छी मां समझती है ना, तो तुझे ये साबित करना होगा। तुम क्या कह रही हो हरप्रीत? क्यों मां, अरुषि को भी तो इस परिवार के लिए खुद को एक अच्छी बहू साबित करना पड़ा था। इस लड़की को साबित करना होगा कि वो आरू और अरहान की मां बनने के लायक है। I promise चाची, मैं ये साबित करूंगी और आपको आपको कोई कंप्लेन का मौका भी नहीं दूंगी। अच्छा, तो सुन ले, वैसे ये साबित करने के लिए तेरे पास 7 दिन है, सिर्फ 7 दिन। What? 7 days? 7 days में मैं क्या साबित करूंगी? नर्मदा, एक बात बता, ये तेरा दिमाग की बीमारी है, छूने से फैलती है क्या? नहीं, ऐसे देख मत मुझे। इसलिए पूछ रही हूँ कि हरप्रीत तेरे साथ रहती है ना, इसकी दिमाग की संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गई है। हो गया, पड़ गई कलेजे में ठंडक। जब तक किसी को पागल करार न दो तब तक खाना हजम नहीं होता है क्या? सुन लड़की, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी, चाहे जो भी कुछ भी कहे। अगले 7 दिनों में तुझे 7 काम करने होंगे और उन 7 कामों से कम 4 काम में पास होना होगा। पूछ क्यों? क्यों? नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए। What next level? जब तक हर कोई तुझे इस कार की बहू स्वीकार नहीं कर लेता और ये मान नहीं लेता कि तू आरू और अरहान के लिए एक अच्छी माँ है, तब तक तुझे ऐसे कई लेवल्स पार करने होंगे और ये साबित करना होगा कि तू अरुषि की सही उत्तराधिकारी है। क्या है उत्तराधिकारी?
उत्तराधिकारी, समझी? नहीं समझी। तुझे ये साबित करना होगा कि तू अरुषि की असली सक्सेसर है। ओके। पर टास्क क्या है? अगर कोई देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सोचेंगे तो सोचेंगे। I don't caring। और तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे पहले कभी किसी लड़के ने तुम्हें छुआ ही ना हो। Don't forget, I know। तुम्हारी पहले दो बार शादी हो चुकी है। But unfortunately, तुम्हारा दोनों बारी तलाक हो गया। But don't worry, अब की बार नहीं होगा। सच्ची कह रहा हूँ। पता है, मैं ना एक चीज लेके आया हूँ। मेरे पास ना नई फिल्म की दो टिकट है। Which फिल्म का? कच्ची कली। पर हम लोग जाएंगे कैसे? तुम फिकर मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। पर क्या आइडिया? तुम बस देखती जाओ। तुझे अपने आप को माँ कहलाने का बड़ा शौक है ना, तो पहले माँ की परिभाषा तो समझ। सवेरे सवेरे उठकर बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना, उन्हें तैयार करना, उन्हें नहलाना, कपड़े पहनाना, स्कूल बस तक छोड़ाना, उनका होमवर्क कराना, ये सब तुझे करना होगा। कर पाएगी? कर लूंगी। दूसरा काम, बच्चों की परवरिश करना एक छोटे से पौधे को संभालने जैसा है। कुछ समझ में आया? ये ले, तुझे इस पौधे की देखभाल करनी होगी अच्छी तरह से। और अगर अगर ये पौधा मर गया तो तू फेल। तीसरा काम, हर रोज सुबह 5 बजे उठकर 10 बाल्टी पानी की भरकर लाना होगा म्युनिसिपैलिटी के नल से। 10 buckets? अब कार में 10 लोग हैं तो हर एक के लिए एक बाल्टी तो बनती है ना। मैं ये अकेले कैसे उठाऊंगी? अब सोचो ना। वो तू सोच। फिलहाल ये 3 काम समझ ले, बाकी के 4 काम ये खत्म होने के बाद बता दूंगी। और सुन, इनमें से एक काम में भी तू फेल हो गई तो इसकी सजा अलग से होगी। और याद है ना, 7 कामों में से 4 काम में पास होना जरूरी है, वरना तुझे यहां से जाना होगा। मंजूर? ओए निकम्मी, जितने काम तूने पिछले 4 साल में नहीं किए ना, उससे 4 गुना काम करने को कह रही है। काम चोर कहीं की। बस मुझे मंजूर है। और मैं जानती हूँ कि तारा ये सारे काम जरूर करेगी और पास भी हो जाएगी। माँ, फिलहाल इसने सिर्फ शर्तें मंजूर की हैं, काम पूरा नहीं किया। आप
टेंशन मत लीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप मुझे बच्चों के माँ के रूप में गले से लगाकर एक्सेप्ट कर लेंगी। सवाल ही नहीं उठता, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ तू उसमें पास कभी नहीं होगी, बल्कि ये तो तेरे बस की बात है ही नहीं। Let's see. आप भी देखना, अब मैं भी देखूंगी। तो मेरा बेटा कायरा के साथ फिल्म देखने जाएगा। हाँ मम्मी। पॉपकॉर्न भी खाएगा? हाँ मम्मी। और आइसक्रीम? हाँ मम्मी, आइसक्रीम तो खाऊंगा ही ना। अरे थप्पड़ खा ले। क्या बोलोगे उसे कि चलो मूवी देखने चलते हैं, और वो चल पड़ेगी तुम्हारे साथ, है ना? हाँ तो चल नहीं सकती क्या? क्या हो गया मम्मी उसे? भूसा भरा तुम्हारे दिमाग में, भूसा। उसके करीब जाने के लिए तुम्हें कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। एक्चुअली ना मैं सोच रहा था कि सोचा मत कर बेटा, तू मत सोचा कर, सोचने का मुझ पर छोड़, ठीक है? लगता मेरा अमीर बनने का सपना ना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा तो इतना मूर्ख है ना, इसके चक्कर में कभी कभी मैं भी मूर्ख बन जाती हूँ। मम्मी इतना भी मूर्ख नहीं हूँ मैं, मेरे को बहुत समझ है। शट अप। I just can't believe, आपको भी उन्हें टेस्ट देना पड़ा था? This is crazy. ये माए है या हिटलर का दूसरा जन्म? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन मैंने भी इस मैडनेस की टेस्ट, इस एग्जाम को एक्सेप्ट कर लिया है। सिर्फ इनके खाते, पता नहीं ये सब कैसे हुआ। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। यू नो व्हाट, मेरे दिल में के लिए बहुत प्यार है। You know that मधुली फील? Yeah. आज मेरी वजह से इन्हें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो, और उस वक्त जब ये बच्चे मेरे पास नहीं थे, I felt a bit restless. I was so tensed. भरोसा इन्होंने मुझ में दिखाया है, आई होप मैं इस भरोसे पर खरी उतर सकूं। जरूर उतरोगी बेटा, तुम कामयाब होगी। लेकिन दादी माँ, आदर्श माँ तो दूर की बात है, माँ क्या होती है ये तो मुझे पता ही नहीं, और ये आदर्श बहू, हाँ मैंने टीवी सीरियल में देखी है ऐसी औरतें, पर सच में तो ऐसी नहीं होती होंगी। किसने कहा कि सच में ऐसी औरतें नहीं होती हैं? मैं खुद जानती थी एक ऐसी ही को, हमारी आरुषि ऐसी ही तो थी। परफेक्ट थी हमारी आरुषि, यहाँ तक कि उसने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे दी। हाँ, पर अगर वो इस सिचुएशन में होती तो आई एम श्योर वो भी फेल हो जाती। पता है कल मुझे कितने काम है, वो कल सुबह जल्दी उठना है, बच्चों को उठाना है, उन्हें तैयार करना है, खाना बनाना है, उनके लिए टिफिन बनाना है, फिर खुद भी तैयार होना है, वो बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, फिर 9 बजे से पहले ये सब कैसे होगा? सब हो सकता है, सिर्फ अपने काम पर फोकस करने की जरूरत है। 100% आई डाउट मैं कैसे जीतूंगी। तुम जरूर जीतोगी बेटा,
अगर इसकी जैसी बनने की कोशिश करूं। दादी मां, मैं किसी और के जैसी क्यों बनूं? मेरी भी तो एक अलग आइडेंटिटी है। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तुम आरुषि बन जाओ, मैं कह रही हूँ उसकी जैसी बनने की कोशिश करो बेटा। जानते हो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है एक जगह, कुछ अच्छे इंसान जब कोई महान काम करते हैं तो एग्जाम्पल बन जाते हैं, फिर वो एग्जाम्पल दूसरे लोग फॉलो करते हैं। अभी जो तेरी सिचुएशन है ना, ऐसी सिचुएशन आरुषि की भी थी, तो उसने जो किया था उसे फॉलो करोगी तो तुम्हारा फायदा हो। ओके, आई अंडरस्टैंड। मुझे आरुषि को फॉलो करना है और अब ये बनेगा मेरे जीत का फॉर्मूला। मुझे इस फॉर्मूला को एक्सेप्ट करना है और इसे अप्लाई करना है, दैट्स इट। देख लो, कुछ अता पता नहीं है महारानी का, सो रही होगी अब तक। खाक माँ बनेगी। पहले टास्क में एक फेल, वेरी गुड। बेग, अव्वल दर्जे में पास होगा मेरा बहू, सब काम में पास होगा। वो क्या है ना दीदी, मेरी हर बात का उल्टा कहना आपके लिए जरूरी है, लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, ये लड़की किसी की माँ किसी की बहू बनने के लिए पैदा नहीं हुई, तो बनेगी क्या? बिल्कुल सही कहा तुमने हरदीप, दिखा है उसको। फिर आपने मुझे पहचाना नहीं। आरुषि का सूट पहना है? क्यों? दादी माँ ने मुझे दिया है। कैसी लग रही हूँ मैं? फुल ऑन अराना दारू की मॉम लग रही हूँ ना? पागल हो गई है क्या लड़की? विहान ने तुझे इस तरह देख लिया तो क्या होगा, जान से मार डालेगा तुझे। क्या जरूरत था इन कपड़ों को पहनने का? हेमा, वो बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना, तो मुझे लगा कि किस हक से स्कूल में जा रही है? तेरी मजाल कैसे हुई? You know what? आपका नाम चाची माँ नहीं, चीची माँ होना चाहिए। हर बार ची 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 ची, मुझे तो ऐसा मन करता है कि मैं बॉम्ब बन जाकर आपके अंदर घुस के फूट जाऊं। वाह लड़की वाह, क्या नाम दिया है इसने तुझे, अर्पित। आज से मैं तुझे यही बुलाऊंगी। दीदी आप ना चुप रहिए। एक मिनट, आप लोगों को झगड़ा किए बिना खाना डाइजेस्ट नहीं होता है ना, मुझे आप दोनों के साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करना। जस्ट वन, विहान बिजी है तो और कौन जाएगा बच्चों के साथ? गॉड, मुझे तो बहुत सारा काम है, बच्चों के लिए टिफिन बनाना है, उन्हें रेडी भी तो करना है, फिर उसके बाद वो 10 बकेट्स पानी भी तो भरना है, और फिर उन्हें टाइम से पिक भी करना है। गॉड, मैं चलती हूँ, आप लोग मुझे डिस्कस कीजिए, मैं बाद में मिलूंगी। हाँ, बाद में लौट कर हम वो कंटिन्यू करेंगे, संदिल सास और बेचारी बहू का किस्सा। ओके बाय। बाय बाय। वाह क्या बात है, क्या जज्बा है मेरा बहू का, देख लेना ये सारा टास्क यूं खत्म कर देगा।
और इतना ही कमांड है ना अपनी मॉडर्न बहू पर, तो चलिए शर्त लगाते हैं, ये पहला टास्क पूरा नहीं कर पाएगी। मोहल्ले की खूंखा लड़ाकू औरतों के बीच में ये चुई मुई लड़की क्या खाक पानी लाएगी? चल लगा शर्त पूरे 50 रुपए की। लगाई। तैयार रखना। उसने पानी भर दिया तो यहाँ दीदी नहीं भर पाएगी। मैंने बाल्टी में छेद कर रखा है। अरे जल्दी करो ना, दो बाल्टी तो भर रही हूँ, रुको ना। एक घंटे से पानी भर दो। स्लो पानी आ रहा है तो मैं क्या करूँ? हम काम छोड़ के यहाँ पे आए। अच्छा ये नीचे रखना, मदद कर दे। क्यों भरना है, कब से खड़े हम लोग यहाँ पे? कितना पानी भरते हो आप? ओ गॉड, इतनी लंबी लाइन, मेरी बारी आते आते तो घंटों लग जाएंगे। 9 बजे तक सारे टास्क कैसे कर पाऊंगी, क्या करूं?